बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे द फेमस सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के वो शहर जो पानी के लिए, ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। किसी ओशन और सी के साथ वो लगते हैं तो कारोबार के लिए उनका बड़ा रोल है, और ये आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली वन पेपर एमसीक्यूज के लिए, चाहे सिंध में ग्रेड 5 to 15 या FIA, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या AD का वहाँ पर टेस्ट हो, तो ये हमारा लेक्चर आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकता है। ये काफ़ी इजी हैं शहर सी पोर्ट्स, क्योंकि ये एशिया से हैं और यहाँ काफ़ी मुश्किल हैं, ये यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका से हैं। इसलिए सबसे पहले है हमारा गवादर, पाकिस्तान का है गवादर, और ये इंशाल्लाह सीपेक जैसे मुकम्मल होगा 2030 में, तो यहाँ का जो डेवलपमेंट होगी, जो खुशहाली होगी इंशाल्लाह वो आप देखेंगे। उसके बाद है कराची, पाकिस्तान का आजकल सबसे बड़ा सीपोर्ट और इकोनॉमिक हब, फिनेंशियल कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कराची, और ये सिंध का शह रग कहलाता है, द जुगलरी वेन ऑफ सिंध, कराची। आगे चलते हैं चाबहार, ईरान का एक इमर्जिंग सी पोर्ट है चाबहार, और मेरे ख्याल में एशिया के अंदर आने वाले 15 सालों में इन दो सी पोर्ट्स का बड़ा नाम होगा, गवादर और चाबहार सी पोर्ट का, ट्रेड के लिए, कारोबार करने के लिए ये बड़े रोल प्ले करेंगे, चाबहार और गवादर। तो चाबहार है ईरान का एक न्यू सी पोर्ट ईरान के अंदर, और यह है बंदर अब्बास, ईरान का पुराना एक फेमस सी पोर्ट है, सी पोर्ट ईरान का ये बंदर अब्बास, जहां पर हार्मद स्ट्रेट है वहां पर है। गवादर, कराची जो है अरेबियन सी में लोकेटेड है, और जो चाबहार है ये भी अरेबियन सी में है, और ये जो है बंदर अब्बास ये है पर्शियन गल्फ के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं दुबई, दुबई यूएई का, याद कीजिएगा मैंने कहा कि वो कंट्रीज जिन्होंने डेवलप किया अपने सी पोर्ट्स को और वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, जो दीगर शहर हैं उनको कनेक्ट किया बाय रेलवे ट्रैक्स, बाय रोड्स एंड मोटरवेज एंड हाईवेज, तो वो जल्दी में जो है वो कंट्रीज आगे निकल चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। दुबई को आप देख लें, दुबई सी पोर्ट है, एक स्मॉल शहर है यूएई का, दुबई को डेवलप किया गया है, फिर वहां से जो मोटरवेज रोड्स निकाले गए हैं पूरे यूएई में, तो आपके सामने है इसका रिजल्ट, और ये दुबई है इन द पर्शियन गल्फ यूएई। जिद्दा, जिद्दा सऊदी अरेबिया का लीडिंग सी पोर्ट कहलाता है। अब सऊदी ना, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, खुद को लिबरल, सेक्युलर या मॉडर्नाइज करने के लिए, वहां पर जो है इंडस्ट्रीज तो है ही हैं, पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग शहर जिद्दा, लेकिन डांसिंग के हवाले से, सिनेमा के हवाले से, म्यूजिक के हवाले से, तो जिद्दा को सऊदी एक मॉडर्न शहर बना रहा है, ताकि यहां पर तमाम लोग, यूरोपियन लोग भी यहां पे आकर एंजॉय कर सकें, जिस तरह दुबई है, तो सिमिलरली जिद्दा भी इस तरह बनने जा रहा है, और आने वाले वक्त में जिद्दा विल क्रॉस दुबई। तो ये है रेड सी के अंदर जो वेस्टर्न पार्ट है सऊदी अरेबिया का, वहां पर है इन रेड सी जिद्दा। चिटागांग बे ऑफ बंगाल में इन द इंडियन ओशन, ये जो है बड़ा सी पोर्ट है बांग्लादेश का, और आजकल जो है बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है दैट इज फास्टली डेवलपिंग। शंघाई, शंघाई ईस्ट चाइना सी में लोकेटेड है, शंघाई सी पोर्ट चीन का लीडिंग सी पोर्ट है शंघाई, और शंघाई ने बहुत बड़ा फायदा दिया है चाइना को, और चीन ने काफी डेवलप किया न सिर्फ शंघाई सी पोर्ट को, बल्कि यहां से मोटरवेज निकाले गए, रेलवे ट्रैक्स निकाले गए, तमाम तरह जो चीन के और शहर हैं उनको इसके साथ कनेक्ट किया गया। और चीन का एक पॉलिसी भी है, अगर आप डेवलप होना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता होना चाहते हैं,
यू मस्ट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि बिल्कुल हकीकत है वो। आगे चलते हैं, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स यूएसए का, अमेरिका का मेन सीपोर्ट है ये, वेस्टर्न अफ्रीका में है, वेस्टर्न अफ्रीका जहां पर है पैसिफिक ओशन, तो वहां पर लॉस एंजल्स। उसके बाद चेन्नई, इंडिया का सीपोर्ट है, इसका नाम था पहले मद्रास। तमिलनाडु जो साउदर्न इंडिया का स्टेट है वहां पर है चेन्नई सीपोर्ट, इंडियन ओशन के अंदर है। मुंबई द फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया, और बॉलीवुड का जो है मरकज है मुंबई। तो मुंबई ने काफी इंडिया को डेवलप किया है, और इंडिया पाकिस्तान से आगे क्यों निकल गया, क्योंकि इंडिया ने काफी डेवलपमेंट किया मुंबई में इसलिए, और फिर मुंबई से जो है निकाले गए हैं मोटरवेज, रेलवे ट्रैक्स वगैरह। हमने क्या किया, हमने कहा बना ली मोटरवेज लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, अरे भाई कराची जहां से आप लोग खाते हो, जो पूरे मुल्क को कराची खिला रहा है, उस कराची में कोई डेवलपमेंट है ही नहीं, कराची शहर तबाह है, और वहां से जो सड़कें बाहर निकलते हैं टूटी फूटी लंगड़ी लोली सड़कें। तो भाई पाकिस्तान चाहे पंजाब हो, केपीके हो, वहां कोई डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप कराची और गवादर को डेवलप नहीं करेंगे। तो हां यहां आ गए किंगदाओ, किंगदाओ एक और सीपोर्ट है चीन का, जो कि येलो सी में लोकेटेड है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना जो पानी है बीच में इसको हम कहते हैं येलो सी, तो वहां पर है ये सीपोर्ट चीन का जी। बोसन साउथ कोरिया का फेमस सीपोर्ट है ये बोसन, एक फिल्म भी है ट्रेन, सिर्फ ट्रेन पर, क्या फिल्म है वो, जोंबी का, अ ट्रेन टू बुसन, ट्रेन टू बुसन, इस मूवी को लाजमी आप देखना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है ट्रेन टू बुसन। न्यूयॉर्क ईस्ट अमेरिका में लोकेटेड है यूएसए के अंदर, और ये जो है एटलांटिक ओशन में ये लगता है न्यूयॉर्क सिटी, और बड़ा मशहूर शहर है अमेरिका का न्यूयॉर्क। मियामी जहां पर है फ्लोरिडा, अमेरिका जो साउदर्न स्टेट है फ्लोरिडा वहां पर है मियामी, और यहाँ कैरेबियन सी के साथ लगता ही है ये यूएसए का। सिडनी कमाल का शहर है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में, जहां पर है तस्मन सी जी, पैसिफिक ओशन है, साउथ पैसिफिक ओशन। सिडनी मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल हार्बर सिडनी है, और ऑस्ट्रेलिया जहां पर डेजर्ट्स हैं उसको डेवलप करना बड़ा रोल प्ले किया सिडनी ने वहां पर ऑस्ट्रेलिया। एडन यमन का सीपोर्ट है, गल्फ ऑफ एडन के अंदर। ये मोम्बासा कीनिया का सीपोर्ट है इन द इंडियन ओशन, मोम्बासा सीपोर्ट ऑफ कीनिया। अलेक्जेंड्रा इजिप्ट का सीपोर्ट है इन मेडिटेरेनियन सी, सिकंदर आजम के नाम से बनाया गया इसको। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का बड़ा मशहूर सीपोर्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ रशिया ऑलमोस्ट, जहां पर बाल्टिक स्टेट है, बाल्टिक स्टेट उनके साइड में है बाल्टिक सी, तो बाल्टिक सी में लोकेटेड है ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का है सीपोर्ट। सोची ये भी रशिया का सीपोर्ट है, और ये है कहां पर, ब्लैक सी में लोकेटेड, साउथ वेस्टर्न पार्ट में ब्लैक सी है, तो वहां पर है सोची इन रशिया। हमबर्ग जर्मनी का सीपोर्ट है, और मेरे ख्याल में वहां पर सी है नॉर्थ सी, हमबर्ग जर्मनी इन द एटलांटिक ओशन, बड़ा मशहूर सीपोर्ट है वहां पर इस साइड में, रोटरडम सीपोर्ट, रोटरडम सीपोर्ट इन नेदरलैंड्स इन द एटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार है यूरोप का। बार्सिलोना कैपिटल सिटी ऑफ कैटालोनिया, जो स्पेन से अलग होना चाहता है कैटालोनिया, तो उसका है शहर ये बार्सिलोना, और ये फुटबॉल के लिए बड़ा मशहूर है, ठीक है ना, और ये स्पेन का है सिंपली सीपोर्ट सिटी। और ये वाला है पोर्टसमाउथ, पोर्टसमाउथ वहां पे शहर है इंग्लैंड का, यूके, और ये बड़ा सीपोर्ट है वहां पर यूके के अंदर। आगे चलते हैं बेलफास्ट,
बेलफास्ट जो है दैट इज सी पोर्ट ऑफ द यूके, और ये कहां पर है? इन द नॉर्दर्न आयरलैंड, इन नॉर्दर्न आयरलैंड दैट इज बेलफास्ट, और ये कैपिटल सिटी है किसका? नॉर्थ आयरलैंड का। आगे चलते हैं, राओ डी जनेरियो ब्राजील का बड़ा सी पोर्ट है इन द साउथ एटलांटिक ओशन, और पहले ये था कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील और आजकल ब्राजीलिया। ये कलाओ पेरू का मशहूर सी पोर्ट है, ये पेरू का मेरे ख्याल में लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पेरू इन द साउथ पैसिफिक ओशन, ये वाला है कलाओ। और यहां पर ये बलबोआ, बलबोआ पनामा का कैपिटल सिटी है, और ये पनामा जो है एक इस्थमस कहलाता है, और ये कनेक्ट करता है साउथ नॉर्थ अमेरिका को। इट सेपरेट्स एटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन फ्रॉम पैसिफिक ओशन। और ये जो बलबोआ है ये है पैसिफिक ओशन के अंदर जो वेस्टर्न साइड है पनामा का वहां पर, और ये है कोलोन, ये है एटलांटिक के ओशन में द सी पोर्ट ऑफ पनामा, और वहां पर है पनामा कैनाल जिसको बनाया गया 1914 में। संतोस ब्राजील का है जो है सी पोर्ट, और ये है मंजानेलो फेमस सी पोर्ट ऑफ मैक्सिको मंजालेनो। आगे चलते हैं वेलिंगटन इन न्यूजीलैंड, और ये है ओसाका इन जापान। तो ये कुछ फेमस सी पोर्ट्स दुनिया के अंदर हैं, कुछ और भी है मैंने कहा लेकिन इस लेक्चर में ये काफी हैं, जो रिमेनिंग है उनको हम पढ़ेंगे एक और लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।